हे गाइस, तो मेरा नाम है जैन और आपका वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कैसे सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हैं। तो यार, आप लोगों को पता है ये बटन्स नीचे शो होते हैं और हमारे पास इधर सिनेमैटिक मोड भी नहीं है जो जावा के अंदर होता है, रीप्ले मोड। तो आप लोग कैसे करोगे ये सिनेमैटिक शॉट्स, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई मोड्स नहीं है, कोई कमांड्स नहीं है, सिंपल माइनक्राफ्ट की सेटिंग है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो हम अपनी ये चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस वक्त क्रिएटिव मोड में हूँ। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको क्रिएटिव मोड में होना पड़ेगा। क्रिएटिव मोड में इस वजह से होना पड़ेगा क्योंकि हमें उड़ना है और सिनेमैटिक शॉट लेना है, तो आपको इस वजह से क्रिएटिव मोड में होना ही पड़ेगा। अगर आपकी सर्वाइवल वर्ल्ड है तो आप थोड़ी देर के लिए क्रिएटिव मोड में चले जाओ, बस ये सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे लेना है। तो सब तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये विलेज है एज अ डेमोन्स्ट्रेशन के ये आपका टाउन होगा और हमारे पास ये केव है। तो चलो, तो हमारे पास ये सारा सामान है। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद वीडियो में जाएंगे, उसके बाद इसको फर्स्ट पर्सन रखना है, हाइड हैंड्स ऑन कर देने और हाइड हैड ऑन कर देना है, एफओवी को फुल कंप्लीट फुल कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखेंगे चंक्स। तो चंक्स जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चंक्स हमको ज़्यादा जितने ज़्यादा रख सको और आपको अच्छा FPS मिले वो चंक्स रख लो। फैंसी ग्राफिक्स रखने हैं और आपको ब्राइटनेस फुल रखनी है, फुल बटा फुल और मचा दो चुल, तो आपको फिर कुछ ऐसा दिखेगा। आपको अभी भी सिनेमैटिक मोड ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम इधर से लेकर जाते हैं, आपको बस ये सेटिंग संभाल के रखनी है, ऊपर वाला जो क्रिएटिव में उड़ने वाला बटन होता है ना हवा में वो, और पीछे वाला बटन इकट्ठे दबाने हैं और आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको स्लो मोशन में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं आपको स्लो मोशन में भी करके दिखा दूँगा। सपोज़ ये आप लोगों का घर है और आपने इसके अंदर एक सिनेमैटिक शॉट लेना है। सिनेमैटिक शॉट ये आपके अपने घर के अंदर लेंगे, तो आपने अपने घर के अंदर ऐसे जाना है। तो फिर अपने घर के अंदर ऐसे घुसते हुए भी बना सकती हो कि ऐसे पीछे से आओ और अपने घर का टूर दो। ठीक है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी ज़्यादा पंगे लिए हैं। आप लोगों को थोड़ी देर लग सकती है। अगर आप केव के अंदर माइनिंग करने जा रहे हो तो मैंने यहाँ पर एक 1.18 का केव भी तैयार रखा हुआ है। मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पर विलेज भी है और केव भी है। इसी बात पर लाइक कर दो यार। तो आपको इस चीज़ को वर्क करवाने के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है। तो आप लोगों को ब्राइटनेस फुल रखने के लिए इस वजह से कहा था, आपको ऐसे केव्स भी मिल सकते हैं जो कि इस तरह इतने छोटे छोटे हों और हर जगह पे ये वाइंस नहीं होती लाइटिंग वाली। तो आप केव से बाहर निकलते वक्त भी एक बना सकते हो, आपको बस अपना एम सेट करना है जहाँ पर रोशनी है, ठीक है। आपको अपना एम सेट करना है जहाँ पर केव खुल रहा है, ठीक है। ऐसे करो, जहाँ पर केव खुल रहा है तो हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पर केव खुल रहा है। तो हम आप लोगों को साइड टू साइड कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि एडिटिंग और म्यूजिक के साथ ये सारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलो यार।